तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ एक नेपाल के ट्रांसपोर्टर, और नेपाल के ट्रांसपोर्टर को रिक्वायरमेंट क्या है आज मैं आप लोगों के साथ वो बात करने वाला हूं। इनका बिजनेस किस तरह का है, कहां कहां से बिजनेस है, क्या इनको रिक्वायरमेंट होता है मार्केट से, और आप इनको क्या मदद कर सकते हो, ये सारी जानकारी आज आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो भाई जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो एक चीज बताइए, पहले आपका रिक्वायरमेंट कहाँ से, आपकी गाड़ी जो लोड होती है कहाँ से गाड़ी लोड होती है? अपनी जो गाड़ी लोड होती है मैक्सिमम फरीदाबाद से होती है। फरीदाबाद से लोड होती है? फरीदाबाद से 15 टन 18 टन 20 21 25 और 32 32 टन की गाड़ी। टायर में अगर देखे तो कितना कितना टायर हो गया? 10 टायर 12 14 और 16 16 टायर तक की जरूरत होती है। अच्छा, जो आप गाड़ी चलाते हो वो गाड़ी आपका ओवरलोड चलता है, ओवर हाइट चलता है, या किस तरह का चलती है? ओवरलोड चलती है, ओवर हाइट भी चलती है। अच्छा, कितना आपका पर डे का जो ट्रक चलता है नेपाल के लिए, कितना ट्रक चल जाता है? मैक्सिमम महीने की कम से कम 100 गाड़ियों का। 100 गाड़ी? हाँ, 100 गाड़ी की बुकिंग। 100 गाड़ी का बुकिंग NCR से, दिल्ली 100 गाड़ी की बुकिंग। अच्छा, और अपना हैदराबाद से भी है कम से कम 30-35 गाड़ी, और जगाड़िया गुजरात से भी। अच्छा, तो ये सारी गाड़ी नेपाल जाती है? हाँ, सभी गाड़ियाँ नेपाल जाती है। तो आपको रिक्वायरमेंट होता है ट्रक का जो कि नेपाल जाए? हाँ, नेपाल। तो नेपाल के लिए क्या बॉर्डर तक रहती है या फिर नेपाल के अंदर जाती है? सोनोली बॉर्डर तक के लिए चाहिए आप? या काठमांडू तक डायरेक्ट जाती है गाड़ियाँ, सोनोली बॉर्डर होते हुए पास हो गए और वो काठमांडू जाती है। अच्छा, मतलब वही गाड़ी काठमांडू के लिए जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो उनकी गाड़ी सनोली बॉर्डर तक ही जाती है, फिर वहाँ से नेपाल का ट्रक जो होता है वो लेकर जाता है। वो परचून होता है, वो तो हमारे पास वो परचून का काम भी है। अच्छा, तो हम परचून भेजते हैं सनोली बॉर्डर तक। ठीक है, उसके लिए गाड़ियाँ जाती हैं, ये 36 फीट लंबी 40 फीट लंबी गाड़ियाँ जाती है परचून लेके, 35 टन 40 टन, और लोग जितना मर्जी ले जाएं, वो 30 मैक्सिमम जितना भी हो सकता है हमारा 30 35 40। अच्छा, तो आपको रिक्वायरमेंट है दिल्ली NCR से, आपको कितना ट्रक चाहिए मार्केट से? दिल्ली NCR से मुझे रोज के 500 ट्रकों की रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये जो वीडियो है खास करके इनका रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर हमारे पास ट्रक है, बिजनेस नहीं है। आपके सामने लाइव में आप लोगों के साथ एक ट्रांसपोर्टर से बात कर रहा हूँ, इनके पास बिजनेस है ट्रक नहीं है। आपके पास ट्रक है बिजनेस नहीं, इनके पास बिजनेस है ट्रक नहीं है, मतलब ट्रक इनको टाइमली मिल नहीं पाता, मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये जो होता है ये एक्चुअल में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है कि लोगों के पास ट्रक होते हुए भी मटेरियल उनको नहीं मिल पाता, उनका ट्रक आज के डेट में घरों पे खड़ा रहता है, खासकर कोरोना के बाद तो और ज़्यादा हालत जो है मार्केट का खराब हुआ है। बट फिर भी ऐसे टाइम इनका जो आज के डेट में तकरीबन दिल्ली NCR की मैं बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, और आंध्रा ना हैदराबाद इतने जगह से तकरीबन 150 ट्रक 150 ट्रक का इनका पर मंथ का काम है। हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास 10 टायर 12 14 या 16 टायर तक की ट्रक होता है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो लोडिंग एरिया है कहां कहां से है और किस तरह का है मैं अभी आपके साथ सारे क्लियर कर रहा हूं। तो आपका तो सबसे पहले आप बताइए दिल्ली NCR से आपका लोडिंग कहां कहां से है? दिल्ली NCR मैक्सिमम फरीदाबाद। फरीदाबाद से गुड़गांव से, दिल्ली के अंदर से है, गाजियाबाद से है, नोएडा से है, लोनी से है, सोनीपत से है, पानीपत है, करनाल आगे, मतलब यमुनानगर से भी जाता है, पंजाब से भी जाता है, भिवाड़ी से भी जाता है, हर जगह से माल जाता है अपने पास में। तो अपने को ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 14 टायरा गाड़ी, 12 टायरा और 10 टायरा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दिल्ली NCR से ये है। अच्छा, और जो आपकी गाड़ी, ये जो गाड़ी जाएगी ये ओवरलोड ओवर हाइट जाएगी? हाँ, ओवरलोड जाएगी। ठीक है, इसके बाद का रिक्वायरमेंट है जो आपका आंध्रा से जाते हैं गाड़ी, जो आंध्रा से आपका रिक्वायरमेंट होता है, वो गाड़ी आपका आंध्रा से किस किस तरह का है और वो कहाँ कहाँ से लोडिंग होता है आंध्रा से? वो गाड़ी 10 टायरा 12 टायरा और 14 टायरा मैक्सिमम 14 टायरा की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मेडचल से लोडिंग होता है क्या? वो मशीन वगैरह से लोड होते हैं। मेडचल से जाता है नेपाल के लिए, वो बहुत पहले मैंने भी वहाँ से भेजा था। और जगाड़िया से होता है अपना जिप्सम बोर्ड। अच्छा, उसके लिए अपने को चाहिए 40 फीट लंबे जो ट्रेलर होते हैं वो वाले। अच्छा, वो भी नेपाल जाता है? हाँ, मतलब कि ट्रेलर भी आपको चाहिए होता है? हाँ, ट्रेलर जो होता है वो हमारा सिर्फ बॉर्डर तक होता है, जैसे रक्सौल बॉर्डर है नेपाल का, ये इधर सनोली बॉर्डर है, और एक दो बॉर्डर और हैं। तो मतलब वो बड़ी गाड़ियाँ सिर्फ बॉर्डर तक ही जाती हैं, उसके एरिया में 10-20 किलोमीटर के दाएं बाएं की। अच्छा, और अगर हम बात करें कि जो आपका गुजरात से लोडिंग कहाँ से है? जगाड़िया जगाड़िया
अच्छा भरूच से लोडिंग है, तो वहाँ से आपका कितना गाड़ी का रिक्वायरमेंट होता है? वहाँ से अभी काम स्टार्ट किया, वहाँ से 20-25 गाड़ी का है, 20-25 गाड़ी का वहाँ से काम है। तो दोस्तों ये था इनका रिक्वायरमेंट। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका नेपाल के साथ काम होता है, नेपाल का आपके पास ट्रक होता है, या फिर आपके कोई जान पहचान वाले जिनके पास नेपाल का ट्रक होता है, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परचून का भी काम है आपका या फिर परचून का भी काम? तो परचून का अगर कोई बुकिंग कराना चाहे तो कहाँ से बुकिंग करवा सकता है? जहाँ मर्जी बुकिंग करवा दे, हर जगह ब्रांच है, हर जगह ब्रांच है। हाँ जी, तो वो सारे के सारे नेपाल जाता है? हाँ सब नेपाल जाता है। तो दोस्तों ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला कि इनका पूरे इंडिया से बुकिंग होता है। तो रिक्वेस्ट है आपका कि आप जरा अपना नंबर बता दीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसी नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपका नंबर क्या है उजड़ा, अपना नंबर बता दीजिए, कौन सा कंपनी से बात कर रहे हो? जय माँ काली ट्रांसपोर्ट इंडिया, मेरा फोन नंबर है 9582388285। तो दोस्तों ये था इनका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिनको रिक्वायरमेंट है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इस तरह की गाड़ी नहीं है और आप बिजनेस नेपाल के लिए नहीं कर सकते हैं तो कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉल आने के बाद लोगों को थोड़ा परेशानी भी हो जाता है। क्योंकि मैंने भी पहले एक दो वीडियोज में अपने कुछ इंटरव्यूअर जो हैं जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, उनका नंबर डाला था, तो उनके पास आज की डेट में भी कॉल आता है, बट वो हमारे चैनल के एडवाइजर हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लोग वो जो है एडवाइस कर भी देते हैं जो भी जानना चाहते हैं, जैसे हमारे एक वाकचंद करके हैं जिनके साथ बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, आशीष करके, आशीष शर्मा, उनका भी वीडियो आपने देखा होगा। तो लोगों का मैंने नंबर पहले डाला था, तो लोगों का आज भी उनके पास कॉल आता है, जो भी जानकारी चाहिए होता दे देते हैं। बट ऐसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आपको अगर रिक्वायरमेंट ना हो, अगर आप इसके लिए तैयार ना हो नेपाल के लिए, तो कांटेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन जिनका रिक्वायरमेंट आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इनका काम हो जाए और जिनका ट्रक है उनका भी काम हो जाए। और दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ कि भाई का नेक्स्ट मंथ में शादी है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भिवानी से, तो आप लोग भी थोड़ा विशेष कर दीजिए ताकि इनका शादी जो है खुशहीपूर्वक चले, पूरा जीवन वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू शादी के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।